इरादा हो कुछ नए करने का, तो दुनिया की क्या मजाल कि आपको सफल होने से रोक दे। जी हाँ दोस्त, मैं आपको आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको देखने से आपको लगेगा कि अगर वो कर सकता है अपने ज़िंदगी में, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जिस ज़िंदगी में लोग खेलने कूदने सोने में गुजार देता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ज़िंदगी को बनाने में गुजारता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ज़िंदगी को इंजॉय में गुजारता है, लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ज़िंदगी को सफल होने में लगाता है। अगर किसी काम को आप कॉन्सिस्टेंसी के हिसाब से करते हैं, तो वह काम एक न एक दिन सफल होता है, लेकिन जब आप अपने इंजॉय के पीछे चले जाते हैं, तो आपके पश्चाताप के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2012 से। दिल्ली के मस्जिद मार्केट में बैठे वह शख्स जिसके जेब में मात्र 30 रुपये थे, उसे ना तो अपने भूत के बारे में सोचने का अधिकार था, ना अपने भविष्य के बारे में। जब वो अपने पीछे किए गए जिंदगी के बारे में सोचता, तो उसके बर्बादी के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता, और अपने भविष्य के बारे में सोचता तो कुछ भी कैरियर नज़र नहीं आता। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इस दुनिया में यौन की अवस्था में अमीर के मामला में दूसरे स्थान पर वो शख्स ओयो कंपनी की मालिक रितेश अग्रवाल की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि जिंदगी कहीं से भी मोड़ ले लेता है, और रितेश अग्रवाल का भी जिंदगी कहीं से भी मोड़ ले लिया, लेकिन उसको इरादा नेक था कुछ करने का। इसलिए आज के डेट में जानते हैं, आज के डेट में 75,000 करोड़ रुपये की कंपनी खड़ी की है, और वो 80 देशों में 800 शहरों में अपने ओयो कंपनी का नेटवर्क बनाया है। अगर ये लोग कर सकते हैं अपने ज़िंदगी को, अपने इंजॉय को ख़त्म करके, अपने उस खेलने कूदने के अवस्था में जब वो अपने कैरियर के बारे में सोच सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं सोच सकते हैं। जब वो अपने सपने को साकार कर सकता है, तो हम लोग भी अपने सपने को साकार क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर ये भी तो इंसान है, हम लोग भी इंसान हैं, उनके पास भी 2 आँखें हैं, मेरे पास भी 2 आँखें हैं, आखिर उनमें और हम में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं, बस अंतर है तो एक चीज़ों का, कि हम लोगों के पास किसी भी तरह की कॉन्सिस्टेंसी नहीं होता। हम लोग अपने रास्ता भटक जाते हैं, कहीं खुशियों में, कहीं इंजॉय में डूब जाते हैं, कहीं खेलने कूदने में मस्त हो जाते हैं, लेकिन ऐसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपने के सिवा कोई कुछ भी नहीं करते हैं, और कॉन्सिस्टेंसी के हिसाब से उस काम को करते रहते हैं। तो दोस्तों, उन लोगों से हम लोगों को सीख लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो हमारा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।